दोस्तों, अगर आप भी हार्दिक पांड्या को डेंजर खिलाड़ी और बेहतरीन कप्तान मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, पहले वनडे में हार के बाद बीसीसीआई ने लिया बड़ा फैसला। रातों रात हार्दिक को कप्तान बनाते हुए पांड्या को भेजा बांग्लादेश। तो आखिर रोहित शर्मा को क्यों किया गया बाहर, क्या है उसके पीछे की बड़ी वजह, और हार्दिक पांड्या ने कप्तान बनते ही किन किन खिलाड़ियों को दिया है टीम में मौका, दूसरे वनडे में बांग्लादेश से बदला लेने के लिए क्या है उनका मास्टर प्लान, दिखाएंगे उसका पूरा वीडियो। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि हार्दिक पांड्या और रोहित शर्मा में किसे होना चाहिए भारतीय टीम का कप्तान, कमेंट करके बताइए। दोस्तों, इस वक्त भारत और बांग्लादेश के बीच बहुत ही रोमांचक श्रृंखला चल रही है। पहला मैच ऐसा हुआ जैसा किसी ने सोचा तक नहीं था। जी हाँ, टीम इंडिया महज 186 रनों पर ही ऑल आउट हो गई, और इसके बावजूद इस लक्ष्य का पीछा करते हुए बांग्लादेश की हालत खराब थी, लेकिन उन्होंने हमें एक रोमांचक मुकाबले में एक विकेट से हरा दिया। लेकिन एक वक्त तो इस मुकाबले में भारतीय टीम आसानी से जीत हासिल करते हुए नजर आ रही थी, लेकिन मेहदी हसन मिराज की लाजवाब पारी की बदौलत बांग्लादेश जीत गया, और इस हार ने इंडियन क्रिकेट को झकझोर कर रख दिया। और किसी ने सोचा नहीं था कि बांग्लादेश भारत को ऐसे मैच हराएगा। अब बीसीसीआई बड़ा फैसला लेने वाली है। खराब कप्तानी और खराब फॉर्म के चलते रोहित शर्मा टीम से बाहर जाएंगे और हार्दिक पांड्या टीम की कप्तानी करते हुए नजर आएंगे। जी हां, इससे पहले जब भारतीय टीम T20 वर्ल्ड कप में हारी थी तब बीसीसीआई एक्शन में दिखी थी और चयनकर्ताओं को बाहर का रास्ता दिखाया, और अब ये गाज रोहित शर्मा के ऊपर गिरने वाली है। बता दें कि हार्दिक पांड्या ने कप्तान बनने से ठीक पहले ही बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे वनडे मैच के लिए बहुत ही खतरनाक प्लेइंग 11 तैयार कर ली है। उन्होंने ऐसे ऐसे खिलाड़ियों को अपनी टीम में जगह दी है जिसका नाम सुनते ही आपके होश उड़ जाएंगे। उन्होंने ओपनिंग की जिम्मेदारी शिखर धवन के साथ ईशान किशन को दी है, साथ ही साथ काफी समय से ईशान किशन बस टीम के साथ घूम रहे हैं, उन्हें टीम में मौका नहीं मिल रहा था, लेकिन कप्तान बनते ही हार्दिक ने उन्हें प्लेइंग 11 में जगह दी है। अब देखना ये काफी दिलचस्प होगा कि मिले हुए मौके को ईशान किशन किस तरीके से भुनाते हैं, और उनके साथ शिखर धवन नजर आएंगे। नंबर 3 पर विराट कोहली वनडे में अपनी फॉर्म हासिल करना चाहेंगे, और 2019 से कोहली ने वनडे में अब तक शतक नहीं लगाया है और दूसरे वनडे मैच में इस सिलसिले को तोड़ना चाहेंगे। बता दें कि नंबर 4 पर श्रेयस अय्यर बल्लेबाजी करते हुए दिखाई देंगे। इस खिलाड़ी ने अब तक वनडे में धमाकेदार खेल दिखाया, और हार्दिक पांड्या भी चाहेंगे कि पहले मैच को भुलाकर वो इस मुकाबले में बेहतर बल्लेबाजी करें। शॉर्ट गेंद हमेशा ऐसे ही इनकी परेशानी रही है, लेकिन दूसरे वनडे में वो अपनी इस परेशानी को दूर करते हुए टीम इंडिया के लिए महत्वपूर्ण योगदान देना चाहेंगे। नंबर 5 पर नजर आएंगे ऋषभ पंत की जगह विकेट कीपिंग करने वाले केएल राहुल। जी हाँ, आपने अक्सर इस खिलाड़ी को ओपनिंग करते हुए देखा होगा, लेकिन अब राहुल एक नई जिम्मेदारी में नजर आ रहे हैं। पहले मैच में भी उन्होंने मिडिल ऑर्डर में ही बल्लेबाजी की थी और लाजवाब बल्लेबाजी की थी, और दूसरे मैच में भी वो अपनी इसी फॉर्म को बरकरार रखना चाहेंगे। राहुल की फॉर्म टीम इंडिया के लिए बहुत अहम है। इसके अलावा हार्दिक ने वॉशिंगटन सुंदर और शहबाज अहमद को टीम में बरकरार रखा है। इन दोनों ही खिलाड़ियों को उन्होंने एक और मौका दिया है, और पहले मैच में वॉशिंगटन सुंदर ने लाजवाब गेंदबाजी की थी और उन्होंने 2 विकेट भी चटकाए थे। शहबाज अहमद दूसरे वनडे में बेहतरीन प्रदर्शन करना चाहेंगे। इसके अलावा हार्दिक पांड्या ने गेंदबाजी क्रम में एक बड़ा बदलाव किया है। जी हाँ दोस्तों, शार्दुल ठाकुर को बाहर का रास्ता दिखाते हुए कप्तान हार्दिक ने रफ्तार के सौदागर उमरान मलिक को टीम में मौका दिया है। यहाँ न्यूजीलैंड के खिलाफ उनकी सरजमी पर अपनी रफ्तार से सबको हैरान करने वाले इस खिलाड़ी को आखिरकार अब बांग्लादेश के खिलाफ भी मौका मिल गया है। आपको बता दें कि पहले वनडे में भी उनके खेलने की उम्मीद थी, लेकिन वो बांग्लादेश पहुंच ही नहीं पाए थे। और दोस्तों, उमरान मलिक को मोहम्मद शमी के रिप्लेसमेंट के द्वारा टीम में जगह मिली है। इमरान के साथ दीपक चहर और मोहम्मद सिराज बांग्लादेशी बल्लेबाजी क्रम को तहस नहस करते हुए नजर आएंगे। और दोस्तों, हार्दिक पांड्या की इस प्लेइंग 11 को देखकर लग रहा है कि ये तो बहुत ही खतरनाक नजर आ रही है, जिसमें बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में गहराई नजर आ रही है। ऐसे में उम्मीद है कि टीम इंडिया दूसरे वनडे में बांग्लादेश को अपने हिसाब से एकदम हरा कर हिसाब किताब चुकता कर लेगी। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि भारत और बांग्लादेश के बीच में सीरीज में टीम इंडिया की तरफ से सबसे ज्यादा रन कौन सा बल्लेबाज बनाएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।